श्याम करी मात की जय हो। माता श्याम करी जरे श्याम करी माथे पाटनरा महाराजा सोलंकी राज तू भिंदमाले में बड़ी जमाना रहा मैं लोग कहता है कि भाखरी माते सरता तो पाटनरी पटरानी हो देखाती। आज ने भिंदमाली महानगरी में हेलो मां श्याम करी रे शरणों में मां सुधा मारे शरणों में मंच माते विराजमान एकदम झांसीरी रोनी जनिन के हको या किरण बिदी के हको स्टेक होटल वाली मारी बहन डिप्टी साहब चोपड़ा साहब ईओ साहब सभी कार्यकर्ता बंधुओं मंच माते श्री राम सेनारा जो आयोजक है भाई सतन सिंह जी वगैरह वगैरह बेमिनट ऊपर है जो भाई होबल जो होबल हबलवार की बात है। कई बुराई और बात शब्द बरस वनवास काटे भगवान राम लक्ष्मण सीता जी हनुमान जी बनाया सीता रे माथे एक दाग नहीं लागो पर सीता जी माथे कणित कणित दाग लगाई माता सीता जी जरे योद्धा रे में आया लोगे नवरात्रा नवरात्रि मनाई दशहरा वर दन जशन मनी और बने हाथी दिवाली मनाई किसान रोज रे अनाज पाके किसान खुश बे अच्छो बरसात बे तो किसान खुश बे देश रो अन्नदाता जरे खुश बे तो पूरा भारत खुश बे। अगर अन्नदाता ही खुश नहीं बे तो पसे कोई खुश नहीं बे वाला व्यापारी व्यापार हाले हो अपने मुई एक किसान हूं व्यापारी हूं पहलो किसान हूं बाद में व्यापारी। लेकिन भगवान राम एक युग रो अंत करे वो युग रो अंत हुआ तो जरे माता सीता रो हरण हुआ कटिए पड़ियों काल लक्ष्मण हूने झूपड़े सीता लेगा सोर सीता सोर लेगा भगवान राम दुखी बे गया के कहा हुआ पर भगवान राम कहन गया था कि आगे कील कलयुग बन आवेला मारी माता और बहनों माथे कोई आस नहीं आवे क्योंकि पहला कोई पुलिस ऑफिसर आईएएस आईपीएस महिला नहीं बहती थी आज डिप्टी साहब महिला है जरूर महिला है तो थोड़ा करो बिल्कुल रागे मैं घनी वाला फोन करो मैडम क्या हाल है तो के महिला के साथ अत्याचार में कभी नहीं होने दूंगा होना भी नहीं चाहिए। आज जरिए में युग में जर भगवान राम लक्ष्मण और सीता जी लौटिया अयोध्या में दशहरा और दिवाली रो उत्सव मनायो गयो आज अने उत्सव में जो आयोजित करता है श्री राम सेना बनो नो में और राम सेना इस बटा की थी और राम सेना की कर की थी कि लक्ष्मण जी थोड़ा समाचार तो एक मिनट लग थे होश मत करो बोर मत भेजो जरे लक्ष्मण जी की तो है भाई लक्ष्मण की के काउक जरूरत है अपने सेनारी मु एकलो ही बदू मु रावण तो मारे ना वीरो ना भाई आके नहीं आले सेना भर्ती करनी पड़े तो एक काम कर लक्ष्मण मुने आंसू पादरी झाड़ रहे ने सो हूतो हूं अन्य मैं तावड़ो मत आवा दे जे आंसू पाड़ो झाड़ करे झड़तो ने मार गरे ही जयपुर ही मंदियों ने आंसू पाड़ो झाड़ झड़े तो रातो रात बनु पौनड़ो आवे। लक्ष्मण जी भगवान राम एक ओंगली निसी ने तीड आयो बेई पाड़े लक्ष्मण बेई पाड़े तीड़ रो ढेर पहाड़ भूबा किदा लेकिन वो तीर आखिर में तो अपने झाड़ ने खाई गयो कोई लक्ष्मण के बाप से बेई पाड़े तो के धके रावण नी सेना है धके रावण नी सेना है राम नी सेना भेड़ी करनी पड़े ये और हनुमान रो सारो ले और भगवान राम फतेह करें अयोध्या में आया बंडिया आप दिवाली सभी ने एक बार पुनः क्योंकि संगठन में बहुत बड़ी शक्ति है जरे आज राम और श्री राम सेना ने देश रे में है और देश रे में अयोध्या रे में 500 वर्ष फैलानो जो जमानो तो
मंदिर कने तोड़ी उपरू तू, लेकिन कोर्ट रे आदेश रे अनुसार वो मंदिर पन बने रही है। बीजू उपरे बनाई, तीजू उपरे बनाई, श्री राम सदन के जस चिंता करवाने जरूरत नहीं। जटाव दियो मोदी बैठो, जटाव दियो होजू भी। एक बार पुनः आप सभी भीनमाल के नगरवासियों को दीपावली और दशहरा की बहुत बहुत शुभकामना। धन्यवाद। जय हिंद। बहुत बहुत आभार परम आदरणीय विधायक साहब। एक बार जोरदार तालियों के माध्यम से अभिनंदन करें। चलिए डाडिया रास को हम प्रारंभ करें, उससे पहले तमाम मेहमानों का शब्दों के माध्यम से एक बार पुनः स्वागत करता हूं। पंकज जी माली और उनकी पूरी टीम की ओर से इस पूरी डांडिया रास में जल की व्यवस्था आपकी ओर से है, आपका मंच की ओर से हम स्वागत करते हैं। हम सभी के बीच में विनय भाई नायक भी पधार चुके हैं। मैं आपकी टीम के प्रथम ऑनर निवेदन चाहूंगा गजानन जी महाराज की वंदना के लिए कि आप मंच पे आए और राजस्थान की संस्कृति के अनुसार गजानन जी महाराज की वंदना के साथ में भक्ति को जो है आप इस डांडिया रास को आगाज दें। रावल साहब से मेरा निवेदन रहेगा कि आप विपिन भाई से कि आप मंच पे आए और गजानन जी महाराज की वंदना के साथ में जो है इस डांडिया रास को आगाज दें। और उसके पश्चात आप सभी के बीच में दिव्या बहन चौधरी बिल्कुल तैयार है, वो आप सभी लोगों के बीच में आए। उससे पहले निवेदन चाहता हूँ विपिन भाई से कि आप अतिशीघ्र मंच पे आए, समय की गरिमा है, जल्दी से मंच पे पधारें और गजानन जी महाराज को बिठाने के पश्चात जो है हम सभी इस डांडिया रास को आगाज देंगे। जितने भी सज्जन या पधारे हैं उन सभी का मैं आजना फिल्म स्टूडियो और साथ ही श्री राम सेना की ओर से आप सभी का भाव भरा स्वागत और आपका अभिनंदन बहुमान। एक बार मेरे साथ में सभी जय जय श्री राम का नारा लगा दे और उसके बाद में हम गजानन जी महाराज की वंदना के साथ में कार्यक्रम को आगाज देंगे।